दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है भंगी कॉलोनी से आगे कि ये फारूकी कॉलोनी के नाम से कॉलोनी कटी है और ये आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बसासत नहीं है, कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। मकान तो बने हुए हैं बहुत, लेकिन सब में ताला लगा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी धांधली चल रही है। ये देखिए मकान बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना से और इसमें लगा हुआ है ताला। एक मकान ये, फिर दूसरा हम आपको दिखाएंगे। ये मकान बना है प्रधानमंत्री आवास योजना से और इसमें भी लगा है ताला। दो मकान हो गए हैं। अब आगे हम दिखाएंगे आपको, ये पूरी कॉलोनी देखिएगा आप, इसमें मकान तो बहुत बने हैं लेकिन रहता कोई नहीं है। अब ये तीसरा मकान देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्लेट लगी है और लग रहा है ताला, ये देखिएगा। अब ये चौथा मकान हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्लेट लग रही है और लग रहा है यहाँ पर ताला बंद, ये देखिएगा। दोस्तों ये हम आपको दिखा रहे हैं भंगी कॉलोनी से आगे कॉलोनी पड़ती है फारूकी कॉलोनी, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी धांधली की जा रही है। जो मकान बंद है जहाँ लोग रहते नहीं उनको मकान बना के दिया, और जो जिनको ज़रूरत है इन मकानों की, जो रहना चाह रहे हैं बनवा कर उनको नहीं बना के दिए। देखिएगा ये मकान आप देखिएगा, पांचवा मकान ये हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्लेट लगी और लगा हुआ है ताला। इसी कॉलोनी में और भी बहुत मकान हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिएगा छठा मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्लेट लगी है और मकान में लगा हुआ है ताला, गौर से देखिएगा। इसी कॉलोनी फारूकी कॉलोनी में छठा मकान देखिएगा ये, और ये देखिएगा दोस्तों सातवां मकान, इस पर से प्लेट उतरी हुई है, यानी कि प्लेट को ख़त्म किया गया है। ये सातवां मकान है इसी कॉलोनी में, लगा हुआ है ताला। अब ये देखिएगा आठवां मकान, इस पर भी निशान आपको दिख रहा है ना प्लेट का, प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्लेट लगी थी वो उतरी हुई है और इसमें लगा हुआ है ताला। इसी तरह के सब मकान हम आपको दिखाएंगे। ये आठवां मकान था, अब ये इसी कॉलोनी में नौवा मकान देखेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्लेट लगी है और मकान में लगा हुआ है ताला। देखिएगा किस कदर की धांधली चल रही है, कितना भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में किया जा रहा है। इस योजना का लाभ कैसे लोगों को दिया जा रहा है, मतलब ये रहने वाले नहीं है, इसका मतलब ये कि पात्र ही नहीं थे बनवा कर, बिल्डिंग गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगाकर मकान बनाकर खड़े कर दिए और ताले ठोक दिए। ये देखिए दोस्तों दसवां मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्लेट लगी है और मकान में लगा है ताला, इसी कॉलोनी में फारूकी में दसवां मकान। कोई मकान आपको जो बने हुए हैं ऐसा नहीं दिखा होगा जिसमें कोई रह रहा हो। अब ये देखिएगा ग्यारहवां मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्लेट लगी है और मकान में लगा है ताला। ये भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए सुनो जनता की आवाज़ न्यूज के माध्यम से हम खड़े हुए हैं। दोस्तों ये देखिएगा बारहवां मकान, इसी कॉलोनी में फारूकी कॉलोनी में बारहवां मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए और बंद पड़ा है, कोई नहीं रहता, बड़ा बड़ा घास खड़ा है इसमें, दिख रहा होगा आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे लोगों को दिया जा रहा है, वाह वाह वाह। नगर विकास मंत्रालय की या उत्तर प्रदेश सरकार की इस पर नज़र है कि नहीं है, लेकिन सुनो जनता की आवाज़ न्यूज के माध्यम से हम जरूर दिखाएंगे। अब ये तेरहवां मकान देखेगा, इसी कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए और मकान में लग रहा है ताला। ये देखिए मकान नंबर 14, चौदहवां मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए और लगा हुआ है ताला, वाह वाह क्या कितना भ्रष्टाचार। ये देखिएगा पंद्रहवां मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ है, लगा हुआ है ताला बंद। ये देखिएगा ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है, प्लेट इसकी गैप कर रखी है और बंद पड़ा है। सोलहवां मकान, अब ये सत्रहवां मकान देखिएगा, ये लगी है प्लेट प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है और लगा हुआ है ताला, भंगी कॉलोनी से आगे सहारनपुर नगर निगम वार्ड नंबर 8 की में ये फारूकी कॉलोनी के नाम से कॉलोनी बसाई गई है। आदमी कोई नहीं रह रहा और यहाँ पर मकान बना दिए सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के, पैसा वेस्ट कर रहे हैं सरकार का अधिकारी, खा के पैसा कलनाइजरों से उनका भाव बढ़ा रहे हैं।
किसी मकान में कोई नहीं रह रहा। ये 18वां मकान देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाया और लगा हुआ है ताला। ये देखिएगा धांधली जो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं। सरकार को पता है या नहीं पता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सुनो जनता की आवाज़ न्यूज जरूर कोशिश करेगी कि सरकार तक ये भ्रष्टाचार पहुँचे। ये देखिएगा मकान नंबर 19 प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए और लगा हुआ है ताला, बंद पड़ा है ये भी मकान। अब ये देखिएगा इस पे से प्लेट गैप कर दिए मकान पे से। 20 मकान इस कॉलोनी में बने हैं और 20 के 20 मकान पर ताला लगा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं। इस पूरी कॉलोनी के अंदर 22 मकान हैं, 22 में से 20 प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं और सब में ताले लगे हुए हैं। आखिरकार किसके लिए ये मकान बनाए गए हैं, किसके लिए सरकार का पैसा ही इसमें बर्बाद किया गया है। ये देखिए पूरी कॉलोनी बाकी खाली पड़ी हुई है। ये जो मकान इसमें बने हैं ये है सहारनपुर नगर निगम वार्ड नंबर 8 में कॉलोनी कटी फारूकी कॉलोनी के नाम से इसको काटा गया है। और ये देखिएगा मतलब हमने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कहाँ लग रहा है। और जिन लोगों को ये पैसा मिलना चाहिए वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके कागज जांचकर्ता अधिकारी कुछ ना कुछ कमी निकाल कर कचरा पेटी में डाल देते हैं, खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मकान बनेंगे किनके, इन लोगों के जिन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि ये 50-50 हजार 40-40 हजार रुपए दे रहे हैं ना जो अधिकारियों को, तो इनके तो बनेंगे ही। रोजी रोटी का मसला है ना। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया कि वार्ड नंबर 8 सहारनपुर नगर निगम में ये फारूकी कॉलोनी के नाम से कटी है, जहां पर 20 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बनाए गए हैं और जिसमें कोई नहीं रह रहा, सब में ताले लगे हुए हैं। इसी तरह के और मकानों का खुलासा हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार तक इस भ्रष्टाचार को हम पहुंचाएं।